वो हमारी कार है, ये हम है, और ये ये पहाड़ी हमारी है, पार्टी है। और ये पहाड़ी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल्स, अगेन एक नई जर्नी के साथ। तो मैंने रात को एक जिक्र किया था आप लोगों से कि आपको एक चीज़ दिखाऊंगा मैं कि कौन से हम लोगों से तकलीफ़ ज़्यादा हुई है, वो आपको दिखाता हूँ मैं भी। तो ये देखें, ये जी तकरीबन कुछ पौड़ियाँ हम उतर गए हैं, और ये सीढ़ी 200 सीढ़ी है जो हम उतर रहे हैं। उतरना आसान है, चढ़ना ज़रा मुश्किल है। और ये देखें सीढ़ियाँ कहाँ तक जा रही हैं, नीचे तक, वो उधर तक आगे भी है भाई इससे। अभी ये ऐसे राइड भी होने इधर से हम लोगों ने। ये सीढ़ियाँ एक्चुअल साइज़ में नहीं है सीढ़ियाँ ना, कोई हाइट में ज़्यादा कोई कम है, तो इसलिए बंदा थोड़ा सा थक जाता है। लेकिन बिल्कुल आखिर पवन ने तलाक दे दी थी मेरे जिस्म को, भाई तलाक है तो ये जा, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। लेकिन पर हिम्मत की है 200 सीढ़ियाँ, क्योंकि हमारे शहर में ना ये चीज़ें नहीं होती, हम लोग आदत नहीं है इस तरह चढ़ने के। तो आए हुए थे हम लोग साथ ही अपने जो घर के नीचे हमारे पड़ोसी हैं उनकी जगह पर, जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत उन्होंने इज्जत की कदर की हमारी। अब हम निकले हैं अपना सेकंड मिशन पर, और मिलाते हैं जिनकी जगह पर थे हम लोग। ये भाई हमारे साथ, ये भाई हमारे इनके पास इनका डेरा था, इनके डेरे पे हम लोग रुके हुए थे। बड़ी कदर की इन्होंने, इज्जत दी है हमें अच्छी। और अभी हम लोग रोड तकरीबन पहुंच गए हैं, सीढ़ियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, वीडियो को स्टार्ट हुए हुए 2 मिनट और 12-13 सेकेंड हो गए हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं ना 50-60 सीढ़ियों उतर गया था। अभी गाड़ी तैयार खड़ी है हमारी, तो और हम लोग ये पहुंच गए नीचे आखिरकार रोड है। भाई के साथ अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर एक बड़े मज़े की बात है, यहाँ पर इन्होंने हर चीज़ अपनी खुद लगाई होती है, नॉट फॉर सेल। तो ये मेरे पीछे जो दरख्त आप देख रहे हैं, ये जापानी जिसको हम लोग भी कहते हैं उसके हैं, और कुछ लगे हुए हैं लेकिन अभी तक ये सीज़न मेरे ख्याल से नहीं है इनका, और बस ये बेहतरीन से लगे हुए हैं इस पर, लेकिन ना ग्रीन कलर में इसी के साथ पीते हैं लेकिन अभी तक तैयार नहीं है। तो इधर बेहतरीन है, मौज मस्ती मिलते हैं आपको भी गाड़ी में से। रास्ते आप लोगों ने देखे हैं कैसे रास्ते थे, और हम बहुत खूबसूरत जगह पर अभी जा रहे हैं आगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसी जगह है, वो दो जा रहे हैं भाई जिनके साथ हम आया वो, और चलते चलते अभी बनाते हैं आगे जाने की वीडियो। और ये रास्ता भी थोड़ा सख्त रास्ता है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है कि ये गाड़ी, हालांकि नीचे काफ़ी खड़ी होनी थी लेकिन ड्राइविंग इनकी स्किल्स अच्छी हैं, तो जिसकी वजह से गाड़ी बड़ी ऊपर तक आ गई। और बड़ा तंग सा रास्ता था जैसे हम लोग गुजर कर आए हैं, बस हम लोग ऊपर मज़ीद चढ़ी जा रहे हैं अभी। वो गाड़ी खड़ी है और ये हम चढ़ आए हैं, वो हमारी कार है, ये हम हैं, और ये पहाड़ी है, और ये पहाड़ी हो रही है।
ये खच्चर और घोड़े वगैरह। ये यहाँ पर किन कामों के लिए होते हैं ये भी आपको बताते हैं। ये है यहाँ पर कोई आबादी करनी होती है ना, तो इनको ये बुक करते हैं ताकि ये लोग ना आबादी करने के लिए ऊपर मटेरियल वगैरह जैसे भी जो भी मटेरियल होते हैं, सीमेंट, रेत, बजरी वगैरह जो भी आप लोग अपनी ज़ुबानों में कहते हैं, तो वो चढ़ाने के लिए ये बुक करते हैं। और ये हकीकत होता हूँ तो बड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं इनको आबादी करना यहाँ पर हमसे शहरों से ज़्यादा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 1 लाख लगता है तो इनका 1.5-1.70 लगता है, तो इस तरह इनको आबादी करने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। और हम काफ़ी बुलंदी पर हैं तो ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, ऑक्सीजन की भी कमी है काफ़ी ऊपर हम लोग। ये जगह कौन सी है? शेर। तो अभी हमें पता नहीं है कि कितने हाइट पर हम लोग, मालूम जब बस शेर है ना इसको कहते हैं, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं है, बट बड़ी ऊपर आ चुके हैं हम लोग। अच्छा, इन भाई के रिश्तेदार वो वहाँ पर पहाड़ी टॉप पर रहते हैं, कह रहे हैं वहाँ पर भी चढ़ोगे तो पता लगेगा। मैंने कहा हम लोग नहीं मिलना किसी से भी। तो ये आप लोग साल बाद तो जाते होंगे इनके घरों पर है कल भाई, आप तो साल बाद जाते होंगे इनके घर 2 हफ्ते। तो किस तरह जाते हैं? गाड़ी में थोड़ा सा रास्ता है, फिर आगे पैदल। अच्छा, जैसे हम लोग अभी पैदल चढ़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो ये भाई इतनी स्पीड से चढ़ रहे हैं, हमारी तो सांस फूली हुई है। आए हाय, बस इनफ हो गया यार। वो जो आपको नज़र आ रहा है वो इनके पहाड़ हैं। ये जो भाई हमारे साथ हैं वो फिर पौड़ियाँ आ गई हैं। अब ये कितनी पौड़ियाँ होंगी कोई पता नहीं लगता इनका। और बस यार इनफ है। वहाँ से तुमने घर बताया था ना ये वाला? हाँ, वो पीछे से नहीं, वो दरिया है वो इनके इनके पहाड़ वो वाले हैं ना सामने, वो सफ़ेद घर जो। अच्छा, वो जो सफ़ेद घर है, मैं गलत? हाँ, मैं जो बता रहा था ना सुबह, नहीं रात को, नहीं सुबह बता रहा था। चलो चलो, बोला हाल हो गया हमारा। अच्छा, ये मिशन 2 है हमारा, तो ऊपर चढ़ के आपको पता लगेगा कि क्यों आए हम ऊपर, इतना चढ़ रहे हैं, क्यों मशक्क़त कर रहे हैं इतनी। तो ये ऊपर चढ़ने के बाद पता लगेगा आपको। अच्छा, रात को बहुत लेट हो गए थे और आगे व्लॉग कंटिन्यू कर ना सका मैं, अंधेरा भी था, बिजली भी रात को नहीं थी उस जगह। लेट आई है क्योंकि शांगले, इनकी जो बिजली इनके पहाड़ पे आ रही है वो शांगले से आ रही है। नीचे कौन सी जगह नीचे ना था? मिंगावर। मिंगावर से जो बिजली है वो थी, लेकिन इन्होंने वो बिजली नहीं लगाई और शांगले से इन्होंने बिजली ली हुई है, उसका भी रीज़न है। नहीं, शांगले से बिजली इन्होंने क्यों ली है और मिंगावर से क्यों नहीं ली, इसका भी एक टफ रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मुझे सांस चढ़ी है इसलिए नहीं ली। हाँ, वो रीज़न ये कि बैठ के बात करते हैं। तो जिसके बारे में मैंने ज़िक्र किया था ना, ये वो चीज़ें, ये भी देखो घोड़ों पे, ये खच्चर कहते हैं इनको ना, खच्चर है, खच्चर ना है, गधे भी हैं बीच में, लेकिन यहाँ पर ये पहाड़ियों पर ना ये खच्चर या घोड़े इस्तेमाल होते हैं, ये ब्लॉक वगैरह लाते हैं। तो ये ब्लॉक अभी ऊपर आबादी हो रही है कहीं, तो इस वजह से लेके जा रहे हैं। ये किस हिसाब से लेके जाते होते हैं? गाड़ी पर एक एक। अच्छा, ठेके पर। अगर किसी को थोड़ा चढ़ाने हैं तो फिर कैसे चढ़ाते हैं? देखो कितना आराम सुकून से चढ़ रहा है, ये बेहतरीन है। ये घोड़ा पूरा, और मेरे ख्याल से वो खच्चर आ रहा है। ये मस्जिद ऊपर कोई तामीर हो रही है, उसके लिए लेके जा रहे हैं। तो माशाल्लाह नेकी का काम है, अब रेट इन्होंने मुनासिब किए उनके लिए। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, और ये
मुशक्कत ये लोग करते हैं और आबादी हम लोग रहते हैं हम लोग। चलें मिलते हैं नीचे। अचीव करने के लिए तो ये मस्त है। हम लोग चले गए थे काफी ऊपर, सभी ऊपर चढ़ के बैठे हैं और भाई ने कहा बैठो कुछ चीज़ पिलाते हैं। ये उनके दरख्त की शरबत वगैरह है वो पीने भी। ये ताज़ा दरख्तों से निकालते हैं, दरख्तों से नलका लगा के निकालते हैं, बनाते हैं जड़ी बूटी। बस चलते चलते पसीना, गर्मी शुरू हो गई थी। इधर भी साए में बैठे हैं तभी सीन सेट है। वेले सभी वो ऊपर आ रहा था, उसी का भाई है मेरे ख्याल से ना। तो समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ, फ्रेश हो गए हैं। तो पहाड़ी चढ़ कर आए हैं, ये भी एक अच्छी खासी जर्नी थी, एक टफ था हमारे लिए क्या ये चढ़ना। ठीक है, हम शहरी लोग हैं, आदत नहीं थे तो ये चक्कर लगाते हैं, आगे चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो ये भाई थे, इनसे नहीं हुई। ओके थैंक यू जी। अब दोबारा नीचे, हम लोग को जुर्म किए हैं ये इतनी जो मशक्कत करा रहे हमसे, तो फिर ये क्यों आखिर उनसे ये पता लग गया नहीं है। अभी आप आगे के इंजॉय करें, ठीक हो गया, मुझे मत देखें। और ये मैं सबसे आगे, उतरने में आसानी होती है लेकिन 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 मशक्कत होती है उतरने में भी। तो ये चेक करें कैसे इन्होंने कट मारे हुए बीच में ताकि ये उतरने में आसानी हो। अच्छा, इस पे जानवर वगैरह भी उतरते हैं, इंसान भी उतरते हैं, औरतें बूढ़े बच्चे वगैरह सब भी, क्योंकि ऊपर आबादी है काफ़ी। और ये क्या नाम है, ऊपर आबादी जो है ना इनके लिए ये रास्ता ही है। और यकीन कर हुकूमत को चाहिए कि इनको भी बना कर दें सीढ़ियाँ रास्ते वगैरह, ताकि ये लोग भी अपनी सहूलत के लिए गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह रख सकें। अभी ये इतना टफ रास्ता ना आबादी लोगों की है इधर। और ये लकड़ी नहीं है, ये पत्थर है, ये पत्थर है, बकायदा सारा पत्थर है। और वो तिथि है और हम लोग वापस नीचे उतर रहे हैं। अभी हमने काफ़ी नीचे जाना है, जिस काम के लिए तो हुआ नहीं है वो जब पक्का होगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि क्या है, इसलिए इतनी मशक्कत हो रही है। आवाज़ ज़बरदस्त है, मज़े का हवा है। हम गाड़ी तक पहुंच गए वापस और अपनी गाड़ी में भी बैठते हैं और चलते हैं अगले स्टॉप की तरफ, ताकि जो हमारा दूसरा काम है वो हो जाए। और ये ब्लॉक हैं जो ऊपर चढ़ा रहे हैं, और ये ब्लॉक अभी सीधे मस्जिद ऊपर होता अमीर और ये उसके लिए, और गाड़ी हमारी वो खड़ी है और ये लोग बहुत पीछे हैं मुझसे। व्यू चेक करें, और ये आड़ू के बाग है, यहाँ पर आड़ू की पैकिंग जारी है। और ये देखें अस्सलाम वालेकुम,
खूबसूरत आड़ू है और ये साइज वाइज रख रहे हैं बेहतरीन आड़ू रहो बेहतरीन है आड़ू माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत जायकेदार जबरदस्त। आगे वो ब्लॉक रखे हुए थे, गाड़ी टर्न नहीं कर सकती थी तो इसलिए हमने इन भाई को तकलीफ दी ज़रा सी, हालांकि रिवर्स में बहुत दूर है चल नहीं सकती थी। भैया अभी टर्न करते हैं गाड़ी, गाड़ी भी इस टाइम ऐसे रास्ते से जा रही है, देख रहे हैं आप बड़ा ख़तरनाक सा रास्ता, ये खूबसूरत रोड है, इतनी खूबसूरत रोड है ना मालूम जब्बा में, ये सबसे खूबसूरत रोड यही है, बिल्कुल कारपेटेड है, खूबसूरत रोड है, बड़ा बेहतरीन सफ़र है। अच्छा अभी हमने जाना है इस साइड से, तो इस साइड से हम नीचे जाएंगे अपने काम के लिए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा काम तो आपको बताएंगे वरना वीडियो डिलीट कर देंगे। तो चलते हैं, अभी भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, उधर खड़े हुए हैं, फ़ोन कर रहे हैं उसको ताकि कंफर्म हो जाए कि नीचे कोई है कि नहीं, तो हम लोग नीचे उतरते हैं। हम लोग ये बेहतरीन वो देखें जिस स्पीडें लग रही हैं इनकी, तो अभी हम लोग केयरफुल उतरेंगे ताकि ज़ख्मी ना हो जाए। मैं नहीं होता स्लिप, ये मेरी चप्पल भी चाइना वाली आपको बताया था, इसके नीचे सोल इतना ज़बरदस्त नहीं है जितना होना चाहिए, तो बस काम ही कोई हम ऐसा करते हैं ये मज़ा आ जाए। अच्छा मैं सफ़र मैंने बहुत किए हैं लेकिन ना है व्लॉग का आइडिया मुझे कभी नहीं था कि भाई व्लॉग शुरू कर लूँ, ये करूँ वो करूँ, तो बस पत्थर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं कट में, और क्या नाम है, बस हम लोग ये पहुँच गए नीचे और चढ़ रहे हैं वापस। फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं और जो काम दिए गए थे वो हुआ नहीं अभी तक, इसलिए मैं नहीं बता रहा अभी, तो अभी बस गाड़ी नीचे खड़ी की है और ऊपर आए हैं, खाना अपने बाहर खा लेते होटल में, गाड़ी पीछे पार्किंग में खड़ी की है, आए जगह पर बैठक में कैरी डब्बे और शोर चेक करो, और अब हम लोग आए वापस अभी नमाज वगैरह पढ़कर, इंतजार करें आना है डायरेक्ट काम के लिए, जाना है हम लोगों ने शांगले, शांगले के निकलेंगे हम लोग पहले शांगले से काम कर कर वापस आएंगे फिर अपने काम के लिए दोबारा जाएंगे। तो लगा तो दे गाड़ी में